हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों पीडीएफ के बारे में सभी नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ अगर आपके पास है दोस्तों तो पीडीएफ को दोस्तों एडिट कैसे करते हैं, दोस्तों अगर दो पीडीएफ है आपके पास तो दोनों पीडीएफ को दोस्तों एक साथ ज्वाइन कैसे करते हैं, एक साथ मर्ज कैसे करते हैं, दोस्तों अगर पीडीएफ एक पीडीएफ है दोस्तों उसमें से कुछ पेजेज आपको अलग करनी है वो कैसे करते हैं, दोस्तों पीडीएफ टू एक्सेल कैसे हम लोग करते हैं दोस्तों, इसके बाद एक्सेल टू पीडीएफ दोस्तों, और कोई भी फोटो है उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद दोस्तों कोई भी फोटो है इसको हम इमेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्पिल्ड करना, यानी कि दोस्तों कोई भी पीडीएफ है दोस्तों तो उसमें से दोस्तों हमको पेज अलग करनी है, तो वो पेज हम कैसे अलग करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आई लव आप क्रोम पे जाके आई लव पीडीएफ आपको सर्च कर देनी है। वहाँ पे आने के बाद दोस्तों एक स्पिल्ड पीडीएफ के नाम से एक नाम होगा दोस्तों, उस पर क्लिक कर देनी है आपको। जैसे ही आप स्पिल्ड पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे तो आप वो फाइल ले लेनी है जो पीडीएफ में से अलग करनी है, जो पीडीएफ आपको एडिट करनी है। तो ये पीडीएफ है दोस्तों, तो हमने ये फाइल सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों क्या करनी है आपको, दोस्तों यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पेज का आपको आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करनी है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट पेज पे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आप पीडीएफ में आपको जितना भी पेजेज है दोस्तों वो आपको दिखना शो हो जाएगी। अब इसमें से जो पेज रखनी है दोस्तों उस पर तो क्लिक रखना है, टिक रखना है, ब्लू टिक सॉरी ग्रीन टिक, जो आपको आपको नहीं चाहिए जो पेज वो पेज आपको यहाँ से हटा देनी है। जैसे कि हमको ये सब पेजेज नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ में वही पेज चाहिए जो हमको ज़रूरत है, तो ये सब पेज हमको नहीं चाहिए तो वो पेज हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से जिसमें ग्रीन टिक दिख रही है वो ग्रीन टिक यहाँ से हटा दे रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या होगा दोस्तों, जैसे ही मैं हटाऊंगा और नीचे आपको दिख रहा होगा दोस्तों एक मर्ज एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन, मर्ज एक्सट्रैक्ट इनटू पीडीएफ फाइल, वन पीडीएफ फाइल दोस्तों। तो ये क्या होगा दोस्तों, नीचे दिख रहा होगा तो मर्ज आपको पेजेज वगैरह के नीचे दिख रहा होगा दोस्तों, उस पर जैसे ही आप टिक करोगे तो एक दोस्तों एक पीडीएफ का फाइल बन जाएगा ये, जिसमें कि दोस्तों जो फाइल आपको जो पेज आपको नहीं चाहिए थी वो हट के सिर्फ वही आएगा दोस्तों। ये यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, टिक कर देनी है। जैसे ही आप टिक करोगे दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, जो पीडीएफ आपने सेलेक्ट किया था, जो पीडीएफ पेज में आपको वो पेज नहीं चाहिए था, वो पेज हट के सिर्फ जो पेज आपको चाहिए था वही पेज इसमें आएगी दोस्तों। इस तरह दोस्तों आप किसी भी पीडीएफ का एडिट करके दोस्तों पेजेज हटा सकते हो। अब दोस्तों उसको एक साथ लाना कैसे है वो भी बताऊंगा, पहले मैं अभी अलग करके बताया हूँ, अब एक साथ कैसे मर्ज करनी है, दो पीडीएफ आपके सामने है तो एक साथ मर्ज कैसे करेंगे वो भी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों वहाँ पे, ये आप सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ जो पीडीएफ अभी हमने डाउनलोड करके बताया, यानी कि जो पेजेज हटा के बताए वो आपको बता रहा हूँ। तो ये पीडीएफ थी दोस्तों जिसमें से कि हम पेज हटा दिए थे, जो ज़रूरत की पेज नहीं थी मेरे लिए। अब आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों उसी पीडीएफ में जो हम पेज अलग किए हैं दोस्तों उनको एक साथ कैसे लाओ, यानी कि दो पीडीएफ है आपके पास दोस्तों, दो पीडीएफ फाइल है उसको एक साथ कैसे हम लाते हैं, यानी कि एक फाइल में हम कैसे लाते हैं, चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी पीडीएफ में जो हमने अलग किया है और जो पहले था दोनों को एक साथ कैसे करेंगे आप, इस वीडियो में आपको मतलब इस फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दे रहा हूँ, रिपीट करके नहीं दोस्तों, ये यानी कि हम पीडीएफ अलग किए थे और पीडीएफ को एक साथ ला के यानी कि मर्ज करके बता रहा हूँ। तो आपके सामने एक मर्ज का ऑप्शन दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे दोस्तों तो सेलेक्ट पीडीएफ फाइल मांगेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ से आप एक ही फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, इसलिए सबसे पहले क्या करनी है आपको फाइल मैनेजर पे चली जानी है। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद दोस्तों वहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जो फाइल चाहिए आपको, यानी कि हम जो फाइल अभी हटाए हैं यानी कि जो पेजेज अलग किए वो और पहले वाली दोनों हमको एक साथ चाहिए, एक साथ चाहिए तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो पहले वाली थी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि कोई भी दो पीडीएफ हो अब उनको एक साथ लाना चाहते हो तो वो दोनों यहाँ से हम शिफ्ट के साथ दबा के दोस्तों कंट्रोल के साथ दबा के और यहाँ पे हम ले आएंगे और नीचे मर्ज पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों। मर्ज पीडीएफ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों तो वो क्या होगा दोस्तों, दो पीडीएफ एक में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप अभी हटा के देखे थे यानी कि एक पीडीएफ में से कुछ पेजेज अलग करके देखे थे, उसी तरह दोस्तों दो पीडीएफ को एक साथ कैसे लानी है तो इस तरह आप ला सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कोई भी फाइल पीडीएफ में हो उसको एक्सेल में हम कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी फाइल पीडीएफ में हो उसको एक्सेल में हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये दिखा दो जो मर्ज किए हैं यानी कि दो पीडीएफ को एक साथ किए हैं वो मैं आपको ओपन करके अभी बता दिया हूँ। अभी मैं ओपन किया हूँ, जो दो पीडीएफ फाइल थी वो दोनों एक साथ हो गई दोस्तों। अब बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि आपको
पीडीएफ में कोई फाइल है उसको एक्सेल में कैसे करेंगे और जो एक्सेल में है उसको पीडीएफ में कैसे करेंगे वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ इसी पे और यहाँ पे ऑल पीडीएफ टूल्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, सबसे लास्ट में ऑल पीडीएफ टूल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर जब क्लिक करोगे आप दोस्तों तो वहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा दोस्तों पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू एक्सेल का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पीडीएफ टू एक्सेल पर क्लिक करोगे जो फाइलें आपको चाहिए पीडीएफ से एक्सेल करने की तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। और दोस्तों आपको रोटेट करनी है तो रोटेट भी, कोई पीडीएफ को आपको रोटेट करनी है तो लास्ट में एक ऑप्शन दिख जाता है दोस्तों रोटेट का भी, तो यहाँ से आप रोटेट भी आप कर सकते हो। और आपको अभी मैं बताऊंगा पीडीएफ टू एक्सेल, ये रोटेट का बताया कि आप रोटेट भी कर सकते हो, कोई भी फाइल को, कोई भी पीडीएफ फाइल को आप रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट भी कर सकते हो। अब मैं बताने जा रहा हूँ पीडीएफ टू एक्सेल कैसे करते हैं किसी भी फाइल को। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे वो फाइल सिलेक्ट कर लेनी है जो फाइल आपको पीडीएफ में हो और एक्सेल में लानी हो, तो मैं वो फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जो हमको पीडीएफ में है अभी और हमको एक्सेल में लानी है। तो सबसे पहले मैं वो फाइल यहाँ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जो फाइल हमको पीडीएफ में ऑलरेडी है, तो यहाँ से मैं जो फाइल ढूंढ ले रहा हूँ कौन सी फाइल हमको पीडीएफ में है वो फाइल हमको एक्सेल में करनी है ताकि मेरा काम भी हो जाए और आप सीख भी जाओ कि पीडीएफ टू एक्सेल हम कैसे करते हैं। तो यहाँ से एक फाइल हमने सेलेक्ट कर ली और नीचे ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों कन्वर्ट टू एक्सेल, जैसे ही आप कन्वर्ट टू एक्सेल पर क्लिक करोगे दोस्तों तो वो क्या करेगा डाउनलोड करके दे देगा पीडीएफ टू एक्सेल, यानी कोई फाइल आपके पास है वो एक्सेल में आपको डाउनलोड करके दे देगा। उसी तरह दोस्तों उसके बगल में, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डाउनलोड जो हुआ है वो आपको बता दूँ ओपन करके कि वो एक्सेल में हुआ है कि नहीं। तो ये अभी आप देखिए दोस्तों फर्स्ट नंबर पर आ गया मेरा एक्सेल में डाउनलोड होके। इस तरह दोस्तों उसी के बगल में आपको एक्सेल टू पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा होगा, यानी कि उसी फाइल को अभी मैं आपको एक्सेल से पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करके बताऊँगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट एक्सेल फाइल सेलेक्ट कर लूँगा, यानी कि जो वही फाइल था उसको फिर से हम क्या करेंगे दोस्तों पीडीएफ बना रहे हैं। तो वहीं पर अब के दोनों चीज़ हो गया, पीडीएफ टू एक्सेल, एक्सेल टू पीडीएफ, अब दोनों कर सकते हो आई लव पीडीएफ पे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है दोस्तों, इस पर आप हर एक चीज एडिट कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ टू एक्सेल हो गया, एक्सेल टू पीडीएफ हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो अब क्या करनी है दोस्तों हमको कि नेक्स्ट जो स्टेप है दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ, कोई भी इमेज हो, इमेज हो उसको पीडीएफ में कैसे करेंगे, कोई भी पीडीएफ हो, पीडीएफ इमेज हो उसको हम इमेज में करेंगे, यानी कि जेपीजी फाइल जो होती है उसको पीडीएफ और पीडीएफ टू जेपीजी वो भी बताएंगे। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको पीडीएफ पे कोई भी लेटर या कुछ भी चेंज करनी हो, क्वांटिटी चेंज करनी हो, नाम चेंज करनी हो, पीडीएफ में कुछ भी चेंज करनी हो तो यहाँ पे एक पीडीएफ एडिट करके ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, वहाँ से आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ टू जेपीजी और जेपीजी टू पीडीएफ, जेपीजी फाइल क्या होती है मैं सबसे पहले बता दूं। आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो, चाहे व्हाट्सअप का फ़ोटो हो या कहीं से भी कोई फ़ोटो डाउनलोड करते हो दोस्तों, तो वो जेपीजी फाइल होता है। तो जेपीजी फाइल को पीडीएफ में और पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कैसे करते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों पीडीएफ टू जेपीजी, जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ पे वो इमेज हम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमको पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो। तो यहाँ पे मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लिया हो जो अभी मैं यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करूँगा और हम यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे रेड कलर में दोस्तों, उस पर क्लिक करूँगा दोस्तों तो वो हमको क्या करेगा दोस्तों पीडीएफ में कन्वर्ट करके देगा। और उसी इमेज को मैं फिर बताऊँगा आपको कि पीडीएफ में है उसको इमेज में कन्वर्ट करनी है, यानी कि जेपीजी में करनी है दोस्तों। कहीं कहीं पर जब आप फॉर्म वगैरह भरोगे ना तो क्या होता है ना कि वहाँ पर जेपीजी ही फाइल मांगता है, यानी कि जेपीजी फोटो मांगता है, यानी कि फोटो मांगता है सिंपल, कहीं पर पीडीएफ मांगता है, कहीं पर फोटो मांगता है। तो ये वेबसाइट जो हो ना दोस्तों आई लव पीडीएफ आपके बहुत ही काम का है दोस्तों, या ऑफिस वर्कर हो चाहे स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत ही काम का ये एक वेबसाइट है दोस्तों आई लव पीडीएफ। इस पर आप हर एक चीज़ एडिट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो उसी हम जो अभी हमने पीडीएफ बनाया है जो इमेज को, उसी इमेज को मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा दोस्तों जेपीजी में। जी हाँ दोस्तों, तो वही इमेज फिर से सिलेक्ट कर लिया हूँ, कन्वर्ट टू जेपीजी का ऑप्शन दिख रहा होगा रेड कलर में, उस पर क्लिक जैसे ही आप करोगे दोस्तों तो आप वो जो जेपीजी फाइल जो होगा दोस्तों, पीडीएफ फाइल जो होगा वो जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप किसी भी पीडीएफ को आप आसानी से एडिट कर सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह का वीडियो आपके लिए मैं लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।